अच्छा जी ए आई के इस चिल्ले में इस लेक्चर में जो चीज हम देखने वाले हैं ना वो जनाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इज हिस्ट्री ऑफ ए आई लोग पढ़ते हैं बहुत है कि ए आई आ गई ए आई आ गई यही पता नहीं होता हमें कि हिस, इसकी हिस्ट्री क्या लेट्स क्विक लुक ऑन दैट उन्नीस सौ तिरतालीस यानी थ्री में वारन मैकलोज एंड वाल्टर नई नाम याद होंगे दो बंदे आने ठीक है उन्नीस सौ तेरतालीस के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ ब्रेन न्यूरोन जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क का पाइनियर स्ट्रक्चर बनाया था वो कहते थे कुछ ऐसी चीज जो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करे अगर अगर उसका एक स्ट्रक्चर भी पकड़ ले सो दे कैन एक्चुअली परफॉर्म दिच आर यूजली परफॉर्म बाय ह्यूमंस दिमाग ही है ना जो सोचता है और करता है तो उन्होंने बोला अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना दी जाए तो उन्होंने ये आइडिया दिया था देन 1950 के अंदर एलन टर्निंग ने एक टर्निंग टेस्ट बनाया था ठीक है

लेकिन इसकी बेस बनी थी 1943 में तो इट्स स्टिल वेरी न्यू फील्ड आई वुड से और इन्होंने लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के Labs, के थ्रू एंड दोनों के तावन के साथ ये एक लैब बनी थी वहां पे उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचना स्टार्ट किया था मतलब नम्स ये जो लफ्स दिया था क्वाइंट किया था क्वाइंट का मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रिंग टूगेदर पाइनियरिंग रिसर्चेस एंड शेप द न्यू ए आई फील्ड तब उन्होंने बोला था कि ये पूरे का पूरा फील्ड है उन्नीस सौ छप्पन में और उन्होंने बोला था अब हमने इस पर काम करना है ठीक है अब इस एक चीज के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने लोग इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे ए आई पाइनियर हैं बेसिकली ठीक है अगर कोई बंदा इसमें है और अल्लाह करे अगर कोई जिंदा हो तो उससे मिलने का आपको आ, मौका मिल जाए

Board, बोला जाता था यानी कि चैट बोर्ड पहला जो बना था उसका नाम क्या था एलाइजा जो ऑटोमेटिकली आंसर देता था एंड उन्नीस सौ उनहत्तर के अंदर मिंस्की फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन ए आई जिसने बहुत बड़ा रिप्रेजेंट किया था कंप्यूटर विजन को, को में. 1975 के अंदर, Stanford, के एक पूरी टीम थी जिन्होंने एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम बेस रूल बनाया था जिससे आप केमिकल कंपाउंड फाउंड कर सकते हैं सिमिलर टू ह्यूमन एक्सपर्टीज यानी कि एक सिस्टम प्रॉपर केमिकल कंपाउंड को प्रोडिक्ट करता था कि ये है कि बुरा है डेवलप किया था एक स्कॉलर किस्म का सिस्टम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बेस दैट सिमेंटिक एनालिसिस एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ठीक है एनालिसिस सब सबसे पहले एल्गोरिथम जो था वो 1979 काम जिसे हम बोलते हैं, वो किया था ये न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इनशालाइनटीन 1997 में आई बी एम ब्लू सबसे पहले चेस का मुकाबला मशीन ने एक वर्ल्ड चैंपियन से जीता था राइट AI बेस्ड मशीन थी वो IBM ने बनाई थी 2011 में IBM वॉटसन ने ह्यूमन चैंपियंस इन जोपरडिक क्विज शो के अंदर उसे बीट किया था देन इसने शो करवाया कि NLP की बहुत बड़ी खासियत है अब ये सारा कुछ चलता जा रहा है अब आज के दौर में बहुत ज्यादा ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर AI जो है ह्यूमंस को बीट कर रही है और इसी वजह से लोग डर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया एशिया वेस्टर्न वर्ल्ड सभी के अंदर जिसके पास ए आई बेस्ड नॉलेज होगा वो दुनिया में आगे जाएगा बिकॉज दे के बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी ट्रेन करेगा जिसको सब कुछ पता है सो दीज आर थिंग्स बाई दारह के अंदर डीप लेंडिंग जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर एक क्रिटिकल ब्रेक थ्रू हुआ था जिसने न्यू ए आई के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिहेनि हमारे सामने लेके आया था बाय द वे ये जो चीज है दो हजार बारह के बाद अभी तक इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है इतनी ज्यादा एल्गोरिथम एक्सजी बूस्ट है मैं नहीं दो हजार सोलह सत्रह अठारह सोन सो सोफर्ड लेकिन बेसिक 2010 और 2012 के बाद बेसिकली आपका आज का ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ए के अंदर डिवेलप कर रहा है और रिसेंटली जो ए की न्यूज मैंने आपको बताई थी uh, जुलाई को जो हमारी ए की न्यूज का सेशन आया था जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होगा वरना आप को डैनिक्स पे जाके AI न्यूज लिखें, तो आपको नजर आ जाएंगी वहां द दूटेशन एबिलिटी ऑफ दैट न्यूरल नेटवर्क सो दुनिया वहां पे पहुंच गई है ते तुसे जान हो, किसी को ना बताना ये हो ओ देखिए ये कर दिया ये तो नहीं करना बाय द वे आज की जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है विजन को स्पीच को रोबोटिक्स को एंड देर आर मेरी थिंग्स इनवॉल्व इन दैट अब ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये बेसिकली आपको पूरी हिस्ट्री बताती हैं और ये हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हार्वर्ड के ऊपर उनकी वेबसाइट के ऊपर ये पूरा रेफरेंस पड़ा हुआ है ये पढ़ा है जी रेफरेंस आप यहाँ पे जाके इस पूरी की पूरी एआई की हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं

बाय द वे आई नो कि ये हिस्ट्री हम लोगों के लिए एज पाकिस्तानी बहुत बोरिंग होती है लेकिन यकीन मनो बाहर आके पता चलता है पाकिस्तान में बैठे हम कह रहे होते हैं कि बेल्जियम एक सिटी का नाम है ठीक है हमें नहीं पता होता कि फ्ला दुनिया के नक्शे में कौन सी चीज किस साइड पे है बहुत कम लोगों को पता होता है उसका मसला ये है कि हम लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं होते कम से कम एक बात याद रख ले 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेके अब तक ये एडवांसमेंट हुई है उन्नीस याद रखो एंड सोन एंड सोफ्ट क्यों याद रखनी है क्योंकि दुनिया में ये फीड्ड आगे जा रहा है सो यू शुड नो के एडवांसमेंट कैसे आ रही है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट डाउन इन द चैट एंड आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चन आई नो के हिस्ट्री के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता बट स्टिल इफ यू हैव एनी लेट मी नो